साथियों नमस्कार। देखिए भाइयों, आज हम पहुंचे हैं अणती गांव में, जो कि फड़ावदे के पास पड़ता है गांव, और खतौली शुगर मिल का क्षेत्र आता है यहां पे। और आज मैं आपको एक बहुत ही शौकीन किसान से मिलवाने जा रहा हूं, जिन्होंने ट्रंच का गन्ना काफ़ी समय से लगा रहे हैं ये। और अभी मैं थोड़ा सा इनसे किसान भाई का परिचय लूँगा। हाँ जी भैया, क्या हाल है जी? नमस्कार जी। नमस्कार जी, तो एक बार थोड़ा सा तो अपना परिचय दो जी। मेरा नाम नैयर आलम है जी। जी, और गाँव अणती है। अच्छा जी। हाँ जी, ट्रेंच की खेती हम पिछले 2-3 सालों से कर रहे हैं। जी जी, अभी तो शुरुआत ही मान लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यानी 10-10 साल से भी कर रहे हैं लोग। हाँ जी हाँ जी, लेकिन बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। हाँ जी हाँ जी। तो भैया एक बार थोड़ा सा आ जाओ अंदर के ऊपर। ये जोड़ा सा कैसा है, किस तरीके से बांध रखा आपने? ये तो असल में क्या है, इसमें जो सह फसली खेती, अच्छा, इसमें जो सरसों लगाई ना, जी जी, तो उस वजह से कोई, ये तो बैरिकेडिंग सी मान लो आप। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इधर से बटिया या चक्रोड वगैरह से कोई अंदर से अंदर ना जावे। ठीक है जी, ठीक। तो भैया चलो एक बार, तो इसमें सहभागी में क्या, अब कुछ सरसों भाई जी? हाँ जी, सरसों है, और साइड की एक तरफ में वहाँ जई बो रखी है कुछ। अच्छा जी, अच्छा। के लिए। तो भैया थोड़ा सा ये बताओ कि आपकी गन्ने की चौड़ाई कितनी? ये 5 फीट पे है जी। अच्छा, 5 फीट हो रहे जी। तो इसमें आपके पास में कृषि यंत्र जी? कृषि यंत्र अभी तो धीरे धीरे हम अवेलेबल करा रहे हैं, मतलब हमारे पास पूरी तरह से तो सब कुछ है नहीं। जी जी, नहीं थोड़ा सा अपने किसान भाइयों के बारे में बताओ, सब तो कृषि यंत्र नहीं बना सकते। हाँ जी, सब नहीं बना सकते। जैसे आप 3 साल से, इसका बेनिफिट बहुत है। जी जी, इस विधि का बेनिफिट बहुत है। नहीं ये एक चीज बताओ, जैसे किसी किसान के पास में, जैसे बड़े कृषि यंत्र ज्यादातर सबके पास में है, और आप 3 साल से लगभग कर रहे हैं, तो इसमें ये बताओ कि क्या कर पाओगा किसान से भी? हाँ कर पाएगा, कर क्यों नहीं पाएगा। जैसे आप कर रहे 3 साल से, बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ समस्या आ रही? कृषि यंत्र बहुत जरूरी नहीं है। हाँ जी हाँ जी, इसे तो करने की जरूरत है। नहीं एक चीज बताओ, ट्रेंच में कहाँ समस्या आ रही कि बड़े कृषि यंत्रों से नहीं कर सकते, छोटा ही चाहिए, वो चीज बताओ अपने भाइयों के लिए। जैसे आपका 3 साल का अनुभव, खास तौर से मिट्टी चढ़ाने में ज्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा, मिट्टी चढ़ाने में दिक्कत आ रही थोड़ी, बीच बीच में छोटा किसान अपने जोटे वगैरह से भी कर ले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मिट्टी चढ़ाने में स्पेशल वही चाहिए, मतलब मिट्टी चढ़ाने के लिए। जी जी, छोटा ट्रैक्टर और मिट्टी चढ़ाने का। हाँ। या पावर वीडर भी काम कर देगा छोटे किसान, पावर वीडर भी कर देगा। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज बताओ जी, आप अपने बुआई एक आंख की कर रही जी या डबल आंख? अब ये तो हमने डबल आंख में करी, डबल आंख में ऊपर का करना। अब की बार जो है वो एक आंख में करेंगे, और उसे बाकायदा ट्रीट करके। जी जी, पूरा अच्छी तरह से करेंगे। जी देखिए भाइयों, 238 का प्लाट है, और इसमें काफी रोग आ गया, लेकिन 38 जैसी वैरायटी अभी नहीं है कोई भी। तो हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा ये भी करना चाहिए कि अपना इस वैरायटी को बचाने के लिए वगैरह की या इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। हाँ जी हाँ जी, लंबाई भी काफी हो रही है। हाँ गन्ने की लंबाई अच्छी हो रही है, इसमें 4-5 महीने हैं, मतलब जी जी, नई वैरायटी कितनी आ रही हो, लेकिन 38 को भी पीटने वाली है नहीं। तो हमारे किसान भाइयों को थोड़ी सी नर्सरी रेड रोड से बचा के ऊपर ऊपर के लिए अपना कुछ कर लेना, एक दो बीघे का बीज जरूर तैयार करना चाहिए, ताकि ये वैरायटी भी हमारी चलती रहे। हाँ जी, क्योंकि किसान के लिए बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। हाँ जी हाँ जी, जी 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 जी। तो भैया थोड़ा सा एक चीज बताओ, आप इसमें लागत वगैरह क्या दे रहे हैं फिर भी? थोड़ा सा लागत तो नॉर्मली है जी, कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ स्पेशल कुछ नहीं है, जो पहले लगा रहे थे वही लगा रहे। हाँ तो इसमें कुछ बचत कम जरूर हुई है इसमें, क्योंकि वो खोड़ भाई खोड़ दे है ना। हाँ जी हाँ जी, और एक और है इसमें, एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। जी जी, यानी कि भाई हम तो खाद बिखेरना जानते ही नहीं थे। हाँ बिल्कुल, और अभी हम भी कर ले इसमें काम। हाँ के काम चले। जी जी जी, तो भैया कितना गन्ना है आपके पास में लगभग? गन्ना तो टोटल लगभग 90 बीघे के आसपास। 90 बीघे के, तो आप तो ले लो ट्रैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तैयारी है ट्रैक्टर की अभी। हाँ, चल रही है हमारी बात। जी जी जी, तो लागत भी इसमें कम हो जाएगी, बाकी आपका खुला खेत खड़ा है बढ़िया। तो अब इसमें मिट्टी चढ़वाने के लिए आपने क्या करा जी? मिट्टी चढ़ाने के लिए तो हमने छोटे ट्रैक्टर जो है हमारे जानने वालों का ही। जी जी, उन्होंने कर दिया था इतना काम। अच्छा अच्छा, उनसे करा लिया था। ये बीच की जुताई कहाँ से करी जी आपने? ये अब तो हमने जोटा से कर ली वैसे ही। अच्छा, कल्टीवेटर से करी जी। तो इसमें सरसों की बुआई आपने कर दी? सरसों की बुआई कर दी। अच्छा अच्छा, ये कब की बुआई है जी आपके गन्ने की? ये तो 20 मार्च के आसपास है जी। अच्छा अच्छा, मार्च की जी। तो एक चीज और बताओ जी, जैसे आप 28 इंची पे 30 इंची पे आपने गन्ना लगाया, उसमें आपका क्या एवरेज आ रहा था, इसमें क्या एवरेज आ रहा आपका गन्ने का? एवरेज इसका बड़ा है। कितने क्विंटल लगभग, बिल्कुल सच्चाई बताइए। मेनली बताऊंगा मैं आपको, जिस तरह के हम किसान हैं, इसमें जो लाभ होगा वो पौधे में कम, पेड्डी में ज्यादा होगा। पेड्डी में ज्यादा, क्योंकि हमसे पेड्डी की देखभाल नहीं होवे थी। जी जी, और ये स्पेस होने से जी हम पूरी पेड्डी कवर कर सके, उसमें सभी तरह का स्प्रे के रूप में या कुछ भी। जी जी, क्योंकि हमारी उस 28 इंची में हम पूरी देखभाल नहीं कर पा रहे थे पेड्डी में स्पेस। जी, क्योंकि पौधे की तो सभी करें। बिल्कुल, लेकिन एवरेज जो बनता है वो पेड्डी से बनता है। तो लगभग पौधे में क्या एवरेज आ रहा जी आपका?
भाई पूरे का एवरेज, पूरे का अगर मान के चलो तो 80-85 के आसपास पूरे का कुल मिला के 30 इंची से ट्रेंच पे जो आए आप, हाँ। उसमें कुंटल का एक बीघे का अंतर बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, कितना अंतर है? होगा 4-5 कुंटल तो है ही। हाँ जी बिल्कुल, हाँ। देखो बंधाई का भी अंतर आ जाए 5 कुंटल का तो। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, तो सारी चीज है अभी बंधानी हो। हाँ जी, अभी नजर रहते है इसमें। देखे भाइयों, हमारे जो भाई है कितनी अच्छी इन्होंने मेहनत कर रखी है, खेत में सफाई देखिए आप कितनी, कोई भी खरपतवार नहीं किसी प्रकार का, बिल्कुल साफ सुथरा। और जो भी गन्ना ट्रंच में, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो गन्ना होगा सॉलिड होगा, इसमें मुड़ा कोई नहीं होगा। और हमने भाइयों एक खेत का तोल के भी देखा था, उसकी वीडियो नहीं मैं बना पाया, जो हमारी शादी बुआई के गन्ने 3 चढ़ेंगे, तो इसमें शादी बुआई के 3 गन्नों में इसके 2 गन्ने, 2 में इतने बराबर वजन निकलेगा। 5 रख लो तो इसके 3 काफ़ी होंगे। हाँ जी, हाँ जी, तो ये हमने तोल के भी देखा था, तो वो इसकी वीडियो मैं आगे बनाऊंगा किसी खेत की। तो भाइयों देखिए ट्रंच के कितने बढ़िया इन्होंने भैया जी ने जानकारी दी, और अब की बार ये ट्रैक्टर भी ला रहे हैं। हम आज अंती गाँव में हैं और भैया जी हमारी काफ़ी समय से वीडियो भी देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो राहुल जी के, हाँ जी, देखो काफ़ी टाइम से सब्सक्राइबर है। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, हम आज समय निकाल के इनके पास में आए हैं और बहुत ही अच्छा मुझे इनका करना लगा। आगे देख, हमें अपने मील से भी प्रोत्साहन मिलता रहे इसके लिए। हाँ जी, ये हमारे भैया जी है खतौली से, आशीष अहलावत जी, ये बाबू जी हैं आशीष जी। हाँ जी, हाँ जी, इनकी तरफ से तो पूरी सपोर्ट मिला है, कामदार है हमारे क्षेत्र के। बिल्कुल बिल्कुल, इनका प्रयास भी रहता है ट्रंच का गन्ना बढ़वा रहे, हमारे साथ बुआई में यहाँ पे हमारे साथ रहे धूप में, मतलब बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट करा भाई, क्या डालना, किस तरह से आप इसे बिजाई करेंगे या कैसे करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल सभी कुछ इनकी मदद से चल रहे जी जी, और बढ़ते रहेंगे इसी तरह से। और आगे क्या बता रहे थे आप इसमें, थोड़ा सा उसका बताओ आगे क्या बुआई करी, जही जही की? हाँ जही है आगे, और वैसे इसमें हमने ट्राइकोडर्मा वगैरह भी लगाया आपकी बार। अच्छा जी, अच्छा अच्छा, उसका भी बड़ा बेनिफिट देखा हमने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो जी जो मेहनत करोगे तो देखो मेहनत का तो अलग ही दिखता है गन्ना भी, और कहीं भी मेहनत करो किसी फील्ड में अलग ही चमकती है। हाँ जी, हाँ जी, तो देखिए भाइयों अगर आपको इनकी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, हमारे भैया जी की मेहनत देख के कितने अच्छा इन्होंने गन्ना कर रखा है यहाँ पे, और पत्ती वत्ती उतरवा के खेत दिखा दूँ मैं आपको। कोई एक, ये लगभग कितने बीघा खेत होगा जी? 4 बीघे का नंबर है इनका ये, और इसमें इन्होंने सहभागी में सरसों की बुआई कर दी है।